ये समझना चाहेंगे सर कि जो पिछला 5 साल रहा है, उन 5 सालों में आपने क्या किया आपको लोग? आप जितना जो विकास देख रहे हैं, पुल पुलिया हो, बिजली हो, पानी हो, रोड हो, और ब्लॉक बिल्डिंग हो, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था हमने किया है। इसलिए हम जनप्रिय हैं, और जहाँ भी आप जाइएगा तो हमारी लोग कहेंगे कि हाँ काम किया है इन्होंने। इसलिए हमको आत्मविश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे। जो भी योजना लाई या जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूट खुले, वो उनके समय में हुआ था, सरकार ने सिर्फ भवन बनाया। देखिए बात ये सब, जिसको लिट नॉलेज की जरूरत, जिसको ज्ञान ही नहीं, वो बड़ा खतरनाक आदमी होता है। तो बना कहने दिया, हम सैंक्शन कराने वाले हैं, हम दौड़ के वहां से पैसा लाने वाले हैं। तो पहले कैसे सैंक्शन था पहले बताइए? अनुराग के हाईकोर्ट नहीं बताना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं, खुद टीवी जो होता है इंटेलेक्चुअल होता है, दर्पण होता है, उसके पास सैंक्शन था तो करा कहे नहीं लिया? सरकार जब हमारी बनी, 5 मेडिकल कॉलेज हम लाए, जिसमें चालू किया, 3 बनकर तैयार है, जिसमें डाल्टनगंज को भी हमने चालू भी करने का काम किया, पढ़ाई चालू कर दिया है, कैंसर हॉस्पिटल हमने अच्छी किया है, टाटा, और उसके बाद जो है कैबिनेट में जब होता है तो कोनो, पहले के कैबिनेट में कहाँ हुआ था? ये तो नया कैबिनेट में हुआ है, तो कहाँ उसका सैंक्शन हुआ? जब कोई चीज काम होता है तो कैबिनेट से होता है। तो देखिए इन लोग झूठा है, सब दिन ब्लफ देने का काम किए हैं, और यही इसी का रोजी रोटी खाया है, इसलिए लोग बोल रहे हैं। और पेपर में भी हम आके हैं, पेपर लोग को सोचना चाहिए कि जो कह दे उसको समझना, हमसे भी पूछना चाहिए था। बताइए जब हमको ऑल इंडिया में पूरा हमको प्राइज फर्स्ट मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी दिए, पूरे इंडिया में हम फर्स्ट किए आयुष्मान भारत में, और 3 साल से फर्स्ट कर रहे हैं पूरा मेडिकल में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, तो ये लोग कैसे कह रहा था कि नहीं? हम तो कहे थे कि हम सबसे अगर कंफर्म सीट है तो मेरा है, और मैं चुनाव जीतूंगा और मंत्री भी बनूंगा। आखिरी में हम ये समझना चाहेंगे सर आपसे कि इस बार जो है आप अगर जीत कर जाते हैं तो आपके पार्टी पे, आपके इलाके के लिए क्या रहेगा जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहला तो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हम दूर करवे किए हैं जो कमी है, और गढ़वा में भी हम मेडिकल कॉलेज लाना चाहते हैं। और सबसे पहले काम है कि देखिए तटबंध जो देख रहे हैं ना, पूरा कोयल में इसको हम बनावेंगे, और इसको अनुमंडल बनाने का काम करेंगे, मझियाओं को, विश्रामपुर के, और सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। सिंचाई को लेकर पूरा फोकस आपका रहेगा जी, सिंचाई का फोकस। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रामचंद्र चंद्रवंशी, जो लगातार जनसभाओं को या यात्राओं के जरिए अपने जो वोटर हैं उनके बीच जा रहे हैं और अपने कामों को बता रहे हैं। हम इस पूरे सेगमेंट में ये समझने की कोशिश करते हैं जो वर्तमान में सीटिंग एमएलए हैं, वो जो काम उन्होंने किया है पिछले 5 सालों में, उन कामों के वजह से क्या उनको जनता पसंद कर रही है। हम ये मौका भी देते हैं जनप्रतिनिधि को कि वो बताएं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या काम किया। जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने कई काम किए हैं जिसकी वजह से इस इलाके की तस्वीर बदली है, और उन्हें उम्मीद है कि इस इलाके की तस्वीर वो आगे भी बदलते रहेंगे। नमस्कार।